अब अभी हम इसमें ये दो नंबर का जो सेकंड गियर है इसको फिटिंग करवा के लाए हैं नया, और इसका पुराना गियर का अभी इसको फिटिंग कर देंगे, फिर इसको चला के देखेंगे। ये इसकी पुरानी गिरारी है ये वाली, जो हमने इसमें चेंज करी है। बाकी सारे सामान ओके वही है, कुछ भी नहीं डालना सिर्फ इस गिरारी के अलावा। तो अब इसको फिटिंग करके चेक करके फिर दिखाते हैं आपको इसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है नहीं होती है। हाँ तो भाई आज बात करेंगे, महिंद्रा ट्रैक्टर आया हुआ है मेरे पास, टर्बो ट्रैक्टर है 395 ट्रैक्टर है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसके जो दो नंबर गियर है उसमें आवाज़ बनती है, जब दो नंबर गियर पे चलता है जब आवाज़ बनती है, और एक नंबर पे भी हल्की फुल्की आवाज़ बनती है, बाकी टॉप गियर में कोई आवाज़ नहीं है। तो मैंने इसको इसका हाइड्रोलिक टापा उतारा, इधर लाओ, इसका हाइड्रोलिक टापा उतारा, उसके बाद उधर से दिखाओ। हाइड्रोलिक टापा उतारने के बाद जब हमने इसकी गिरारी चेक करी तो सारी जो गिरारी है इसकी कंप्लीट है, कहीं से कोई गिरारी जो डैमेज नहीं है। नॉर्मली मैंने पहले सोचा था कि भाई दो नंबर गियर में आवाज आ रही तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ लगा नहीं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इधर आपने देखा होगा जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो पहले आपको उसकी पूरी आवाज़ वगैरह दिखाता हूँ, जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद जो उसको ओपन करते हैं उसी तरीके से। ज़्यादातर मेरे जो भी वीडियो हैं वो उसी तरीके के हैं, पर इसका वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है। जब मैंने इसको खोला तो खोलने के बाद ट्रैक्टर ओनर से बात करी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ओके है, आप इसको चलाओ। तो उन्होंने बोला कि इसमें आवाज आ रही है, और मैंने इसका काम करवाया है शोरूम पे। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या क्या आपने नया डाला, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक तो ये फर्स्ट रिवर्स की गिरारी नहीं है, और एक ये दूसरे तीसरे की गिरारी नहीं है, इसी आवाज के लिए मैं उनके पास गया था और उनसे बोला कि भाई इसमें आवाज़ आ रही है तो आप इसको चेक कर लो। तो उन्होंने बोला ओके ये गिरारी नहीं डलेगी, तो ट्रैक्टर ओनर ने गिरारी दोनों नहीं डलवा ली, फिर भी इसमें आवाज़ थी, तो उसने बोला कि ये आवाज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, चलते चलते ठीक हो जाएगी। तो फिर ये मेरे पास आए हैं, तो उन्होंने मेरे से ये नहीं बोला कि तो मैंने कहीं चेक करवाया है, उन्होंने मेरे से बोला कि इसमें दो नंबर गियर में आवाज आ रही है, आप इसको चेक कर लो। तो मैंने इसको खोला तो ये बिल्कुल कंप्लीट है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, और मैंने इसमें गिरारी वगैरह डलवाई शोरूम पे, फिर भी इसकी आवाज बंद नहीं हुई। तो फिर मैंने उनसे बोला कि इसको खड़ा कर दो, इसको कल आराम से, कल आया था मेरे पास ट्रैक्टर, तो आज इसको देखेंगे फ्री मूड में इसमें प्रॉब्लम कहाँ निकलती है। तो बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, बहुत नॉलेजफुल वीडियो रहेगा, कभी भी आपके काम आ सकता है अगर वो मैकेनिक है तो। और ट्रैक्टर ओनर के कभी ये प्रॉब्लम आती है तो वो इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ उससे नॉलेज ले सकता है। तो इसको खोलेंगे, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ निकलेगी वो भी आपको बताएंगे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, और बिल्कुल इनको नज़दीक से दिखा दो। मैंने इसको सारा कुछ जैक चढ़ा के चेक करा है, दो नंबर गियर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे अगर इसमें गियर लगाते हैं दो नंबर, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने टायर वगैरह घुमा के सारी चीज़ें चेक कर ली, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं बता रहा। ट्रैक्टर को स्टार्ट करके भी चेक करा, दो नंबर गियर डाल के वैसे ही स्टार्ट करके, ये नली वगैरह सब लगा रखी है, स्टार्ट करके भी चेक करा तो भी कोई आवाज़ नहीं है। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, इसलिए हम इसका पूरा गियर उतारेंगे, एक एक चीज़ इसकी चेक करेंगे। मेरे हिसाब से तो इसमें काउंटर में प्रॉब्लम निकलेगी, इसमें जो है काउंटर में प्रॉब्लम निकलेगी। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, फिर इसको दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ जाके निकलती है। इसका पहले एक बार काम हो चुका है, पहले इसका मेन शाफ्ट निकाल लेंगे, उसके बाद इसका काउंटर निकालेंगे, और काउंटर निकाल के फिर एक एक गिरारी चेक करना पड़ेगी, तभी जाके इसकी हमें प्रॉब्लम पता पड़ेगी। हाँ तो अभी हमने इसके दो पार्ट किए हैं, दो पार्ट करके, और इसकी जो टॉप शाफ्ट निकाली है, अब इसकी जो
गिरारे निकालेंगे पिनियन, इसको निकाल के फिर इनको चेक करेंगे और फिर इसका जो काउंटर है वो भी निकालेंगे। इसकी एक एक गिरारी चेक होगी, जब जाके हमें पता पड़ेगा कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ है। मेरे हिसाब से तो कंफर्म है कि इसमें काउंटर में प्रॉब्लम निकलेगी, फिर भी पूरा ओपन करने के बाद एक एक गिरारी चेक करेंगे और फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। हाँ तो भाई, अब इसका जो काउंटर है वो भी बाहर निकाल लिया है और ऊपर वाली जो इसकी मेन शाफ्ट है वो भी बाहर निकाल लिए। काफी देर हमने इसको देखा धोके, तब जाके इसकी प्रॉब्लम पता पड़ी है। प्रॉब्लम बहुत छोटी निकली है, पर इससे दिक्कत भी नहीं है। अगर आप चाहो तो इस कंडीशन में ट्रैक्टर चला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको आवाज़ से दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम कैसे पकड़ाएगी। तो अभी हमने इसकी ये वाली गिरारी तो नई डली हुई है, ये गिरारी वाली भी नई डली हुई है। दूसरा गियर जो है इस वाली गिरारी पे चलता है, तो इस वाली गिरारी को भी हमने चेक करा। उसके बाद हमें पता पड़ा, इधर लाओ तो इसमें ये इस जगह मार भरी हुई है इस दाते पे, कभी इसका गियर फंसा होगा या गियर उलझा होगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका ये जो दाता है ये डैमेज होया हुआ है, हल्की सी इस पे भी मार है, दिख रहा है उसमें हल्की सी इस पे मार है और हल्की सी जो इस दाते पे मार है, ये दो दाते इसके डैमेज है, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और यही गिरारी हमारे फर्स्ट गियर पे भी चलती है रिव्स वाले पे, तो उसमें भी आवाज़ आ रही थी हल्की सी, तो उसका भी ये कारण है। वैसे तो इसमें ये हल्का सा फर्स्ट गिरारी का जो काउंटर पे चलता है ये भी डैमेज है, तो उसको तो हम नया नहीं डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट में हमारे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सिर्फ दूसरे में है। तो इसका जो काउंटर का जो गियर है जो दो नंबर पे काम करता है उसको चेंज करेंगे। ये वाली गिरारी भी चेक करी हमने पूरी घुमा फिरा के, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। और तीसरे में इसमें आवाज़ आती भी नहीं है, टॉप में भी आवाज़ नहीं है, आवाज़ आती है सिर्फ दूसरे गियर में। और इन गिरारियों में हमें ज़्यादा गौर नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये दोनों गिरारी नई डली हुई है, इनको भी हमने अच्छी तरीके से देखी और ये जो इसके अंदर लगती है इस गिरारी को भी चेक करा, कभी इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये गिरारी भी मैंने चेक करी तो ये भी बिल्कुल कंप्लीट है। तो हमें करना कुछ नहीं है, काउंटर की ये गिरारी नहीं डालनी है, ओरिजिनल महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और इसको लगा के फिट करके चेक करेंगे इसकी आवाज़ बंद होती है नहीं होती है। इसके जो ट्रैक्टर ओनर है उनसे बात कराएंगे कि वो जो कंप्लेंट लेकर आए थे उसकी शॉर्ट आउट होती नहीं होती है। तो हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ये प्रेस फिट होगी तो इसको कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करके स्टार्ट करके चेक करके दिखाएंगे, एक बार फिटिंग का बना लेंगे थोड़ा सा इसको फिट करके। वैसे इसमें कोई आवाज़ नहीं है, घुमा फिरा के मैं हमने चेक करा है, खाली में कोई आवाज़ नहीं है। पर बाकी जब इसको ट्रैक्टर रोड पे चलता है जब आवाज़ आती है दूसरे गियर में, जब रेस हम छोड़ते हैं जब आवाज़ आती है, ऐसे नहीं आती है। अगर लोड पे चलेगा तो भी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी इसको चला के चेक करा, लोड पे जब चलता है जब एक्सीलेटर दबा के रखते हैं तब आवाज़ नहीं आती, जब एक्सीलेटर छोड़ते हैं तब इसमें आवाज़ बन रही थी। तो आवाज़ तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि हो सकता है इसमें, हाँ अगर इसमें ये कंप्लीट करने के बाद भी आवाज़ आएगी तो फिर आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम निकलती है। हाँ तो अभी हम इसमें ये दो नंबर का जो सेकंड गियर है इसको फिटिंग करवा के लाए हैं नया, और इसका पुराना गियर का अब इसको फिटिंग कर देंगे, फिर इसको चला के देखेंगे। ये इसकी पुरानी गिरारी है ये वाली जो हमने इसमें चेंज करी है, बाकी सारे सामान ओके वही है, कुछ भी नहीं डालना सिर्फ इस गिरारी के अलावा। तो अब इसको फिटिंग करके चेक करके फिर दिखाते हैं आपको इसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है नहीं होती है। हाँ तो भाई, अभी हमने जो ये इसका गियर खोला था मैंने आगे सारा कुछ वीडियो में बताया हुआ है, तो अभी हमने इसको चला फिरा के देख लिया, इसकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। महिंद्रा 395 DI टर्बो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई शोरूम वालों ने इसमें इसको सही नहीं करा, और मैकेनिक को अगर कोई चीज़ वो डालता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जो उसके आगे पीछे जो चीज़ें लगी हुई थी वो भी चेक कर लेना चाहिए। अगर वो चेक हो जाती तो ये वापस मेरे पास नहीं आता, वापस नहीं खुलता। अब मैं तो आवाज़ तो इसकी सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि आवाज़ इसमें आ नहीं रही है, ट्रैक्टर मैंने चला फिरा के देख लिया। अब इसका जो ट्रैक्टर ओनर आएंगे तो उनसे आपकी बात करा दे देंगे, अगर मुझे समय मिला या हमारा ऐसा समय रहा तो मैं आपकी बात कराऊंगा उनसे। और दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, प्रॉब्लम किसी में भी निकल सकती है, हो सकता है कि ये डालने के बाद भी आवाज़ बंद नहीं होती, तो आगे हम देखते हैं। तो आप लोग कमेंट करते हो
कि मैंने सब कुछ नया डलवा लिया। इंजन में भी ऐसे होता है, ज़्यादातर मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि मैंने इंजन में सब कुछ नया डला लिया, फिर भी हमारा जो ट्रैक्टर है गर्म होता है, तो वो ऐसी प्रॉब्लम है। ट्रैक्टर देखने पर ही प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है। उसका एक कारण ये है कि अब ये ट्रैक्टर भी ओके था, दिखने में बिल्कुल सामान बिल्कुल ओके दिख रहे थे, इसमें कहीं से कहीं तक ऐसा लग नहीं रहा था कि इसमें कोई मिस्टेक है। और ट्रैक्टर ओनर ने बोला कि इसमें प्रॉब्लम है, मैंने चला के देखा तो प्रॉब्लम थी, पर दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें प्रॉब्लम है। तो ये जो ऐसी प्रॉब्लम जो आती है, वो ट्रैक्टर को देखने के बाद या खोलने के बाद ही कन्फर्म हो पाती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकलेगी। अब आप लोग कमेंट में पूछते हो सारा कुछ नया है फिर भी ये दिक्कत आ रही है, तो वो ऐसी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम है ट्रैक्टर देखने के बाद या ट्रैक्टर खोलने के बाद ही पता पड़ती है कि भाई इसमें क्या हो सकता है। हम हमारे आइडिया से आपको बता देते हैं भाई ये चीज़ आप चेक कर लो। ऐसे इस केस में हुआ कि दिखने में बिल्कुल ओके दिख रहा था, बाकी प्रॉब्लम किस जगह निकली आपने देखा। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर प्रॉब्लम थी, और अब जो इसकी आवाज़ है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब ट्रैक्टर ओनर आएंगे तो उनको चला के दिखा के फिर आप लोगों की बात करा देंगे कि वो क्या उनकी राय देते हैं इस पे। हाँ तो दोस्तों, अभी इसके जो ट्रैक्टर ओनर है वो आए हैं और इन्होंने ट्रैक्टर चला के कंप्लीट चेक करा, उसके बाद इनसे बात कराएंगे भाई ये कौन से गांव के हैं, इनकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हुई नहीं हुई, क्या हमने डाला वो भी हमने इनको बता दिया कि इसमें गिरारी डली है, बाकी और कुछ नहीं डला है गियर में। तो सबसे पहले तो आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ सबसे पहले। हमारा नाम जगदीश चंद, ऐसे बोलो यार जिसे अपन बात करते हैं। हाँ जगदीश, जगदीश गुजर। हाँ गाँव, गाँव खोरिया, गाँव खोरिया। आप जो प्रॉब्लम लेकर आए थे वो शॉर्ट आउट हुई नहीं हुई? वो तो होगी, मतलब कंप्लीट हो गया। पहले आवाज आ रही थी उसमें, पहले आवाज आ रही थी ना, वो बंद होगी। बंद होगी और कोई दिक्कत तो नहीं है गियर के प्रति? कोई ऐसा अभी चला फिरा के देखा आपने? अभी तो कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जो आप प्रॉब्लम लेकर आए थे वो शॉर्ट आउट होगी आपकी? ठीक है साहब, ये पूछना था आपसे क्योंकि पहले इसकी आवाज़ नहीं सुनाई थी ना हमने, खोलने के बाद कंफर्म करा, तो इसीलिए आपसे थोड़ा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर करें। धन्यवाद।